ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संथाल परगना का सबसे बड़ा शहर देवघर अब वायु मार्ग से भी जुड़ जाएगा। देवघर में केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट जल्द बनकर तैयार होगा। चार दीवारी से रनवे तक का काम शुरू हो चुका है। क्या खासियत होगी देवघर एयरपोर्ट की, इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा नगरी देवघर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं और इसके लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग ही एकमात्र विकल्प हुआ करता था। लेकिन अब देवघर की तस्वीर बदलने वाली है। देवघर में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है जिसके लिए दिन रात काम किया जा रहा है। देवघर एयरपोर्ट 654 एकड़ में फैला हुआ है जिसकी लेबलिंग और बाउंड्री वॉल का काम शुरू कर दिया गया है। देवघर एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2500 मीटर होगी और एयरपोर्ट में 320 एयरवेज के दो विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ की कैपेसिटी होगी जिसके लिए बेस भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा टैक्सी स्टैंड और 13 किलोमीटर का एयरपोर्ट रोड का भी काम चल रहा है। हमारा टारगेट तो 2 साल के अंदर पूरा करने का है। अभी हमारा पैकेज 1 है जिसमें कि आपका टोटल जो 654 एकड़ जो जमीन है टोटल का सारे का लेवलिंग ग्रेडिंग होना है इसमें, और हमारा रनवे बनना है और इसमें टैक्सी ट्रैक बनना है, एप्रन बनना है दो एयरबस 320 के लिए और आइसोलेशन बे बनना है इसमें। एयरपोर्ट निर्माण को लेकर स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। स्थानीय लोगों की माने तो आजकल लोगों के पास पैसा जरूर है लेकिन समय नहीं। एयरपोर्ट बन जाने के बाद समय की काफी बचत होगी। इससे न सिर्फ आने वाले श्रद्धालुओं को फायदा होगा बल्कि इलाज के लिए बाहर जाने और बाहर से इलाज के लिए यहां आने वाले लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। लोग आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। पहले हमारे पास साधन था सिर्फ एक ट्रेन का साधन जहाँ पे लोग 24 घंटे 12 घंटे 18 घंटे पहुंचते थे। अब यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाने के बाद एक दिन में लोग आ करके देश विदेश से दर्शन करके फिर वापस अपने जगह पे चले जाएंगे, गंतव्य पे चले जाएंगे। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर सहित पूरे देवघर को इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने की घोषणा की थी और उन्होंने इस विषय पर अमल करते हुए देवघर में एयरपोर्ट की सौगात दी। देवघर एयरपोर्ट राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देवघर एयरपोर्ट के आ जाने से न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी बल्कि देवघर पर्यटन हब के रूप में भी और आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।